तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम ऑफलाइन मार्केट से कोई भी एंड्रॉयड टीवी परचेस करते हैं तो हमें किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो गाइज, मैं हूँ प्रथमेश आदमणी, आप देख रहे हैं प्रथमेश आदमणी यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हमने परचेस की है शाओमी की स्मार्ट टीवी 5A 32 इंचेस। तो गाइज़, इस टीवी की कीमत जो है वो हमें 14,000 रुपीज़ मिली और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ही यही कीमत इस टीवी की थी। तो हमने ऑफलाइन मार्केट से ही टीवी परचेस करना सजेस्ट किया। तो गाइज़, यही टीवी शाओमी स्मार्ट टीवी 5A फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में सिर्फ 9,000 रुपीज़ में लोगों ने परचेस की, वो भी ईएमआई पे। तो लेकिन हमारी अब ज़रूरत थी, हमें टीवी चाहिए थी अंडर 15,000, तो हमें यही एक बेस्ट टीवी लगी अंडर 15,000, इसलिए हमने ये टीवी परचेस की। तो टीवी के शोरूम में जाने के बाद हमें मिलती है हमारा टीवी का बॉक्स। तो टीवी का बॉक्स हमें अच्छी तरीके से चेक करके ही लेना है, टीवी का बॉक्स ओपन नहीं हो, किसी भी टाइप का डैमेज नहीं हो, ये चेक करके ही हमें टीवी का बॉक्स लेना है। तो घर पे बॉक्स आने के बाद आपको इसे ओपन नहीं करना है, जब तक इस कमेटी का मेंबर हमारे घर पे आके खुद इंस्टॉल नहीं कर देता तब तक आप इसको, इस बॉक्स को ओपन नहीं करना है। अगर आप इस बॉक्स को ओपन करते हो तो आपको वारंटी नहीं मिलती। अगर आपकी टीवी डैमेज निकलती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको इस टीवी के बॉक्स को ओपन नहीं करना है जब तक इस कमेटी का मेंबर आपके घर पे नहीं आता है। तो गाइज़, अब हम बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो गाइज़, इस इंस्टॉलेशन के लिए हमें किसी भी टाइप की फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप टीवी का वॉल माउंट का स्टैंड अगर परचेस करते हो तो आपको ये अलग से परचेस करना पड़ता है। तो आपको ये स्टैंड की कीमत लगभग 400 रुपीज़ के करीब मिल जाती है। तो गाइज़, आप देख सकते हो, इन्होंने इनके सामने टीवी ओपन की, हमने इस टीवी ओपन ने की, इन अगर ये टीवी अगर डैमेज निकलती हो तो ये टीवी जो है वो रिटर्न हो जाती है। लेकिन अगर ये टीवी अगर आप खुद ओपन करते हो और डैमेज निकलते हो तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो गाइज, ध्यान रखिए, अगर आप अगर टीवी परचेस करते हो तो आपको ये टीवी अपने हाथ से ओपन नहीं करनी है, ठीक है। तो गाइज, इस वॉल माउंट स्टैंड के लिए आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यमा का ही ये स्टैंड हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो फाइनली हमारे शाओमी स्मार्ट टीवी 5A की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो और जो मेंबर आए थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। ये गूगल असिस्टेंट है, हियरिंग ऑपरेटिंग है, से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सिलेक्ट, मतलब पांच बटन के लिए काम करेगा, मेन पेज वॉल में आने के लिए, बैक करने के लिए, एंड्रॉइड बेसिक में जाने के लिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन है तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डाउन हो स्टार साइन इन करके चला सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, और या डायरेक्टली ऐप में आने के लिए। ओके, यूट्यूब से कनेक्ट करना हो तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप जब भी बंद करके टीवी चालू करेंगे तो आपका टीवी डायरेक्टली सेटअप बॉक्स पे एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको नेट वगैरह कनेक्ट करना है तो यहाँ पे होम बटन दबा देना, आपके मोबाइल का डेटा ऑफ होगा। अगर देखना हो गया इनपुट में आ गया, जो भी आपका सेटअप बॉक्स अगर सादा सेटअप बॉक्स होता है तो एवी पे सिलेक्ट करना, एचडी सेटअप बॉक्स रहा तो एचडीएमआई 1 2 जो भी आपको, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा वीडियो होगा, ठीक है। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डॉजनी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है सर, यहाँ पे यूट्यूब आप डायरेक्ट चला सकते हो, प्ले स्टोर साइन इन करना पड़ता है, मोर ऐप, मोर ऐप बोले तो सर यहाँ पे शॉमी ने आपको मैक्स क्लियर से लिखे तो जियो सिनेमा तक के आप इंस्टॉल कर दीजिए, बट लॉग इन आपको करना होगा। ये 3 डॉट जो मैंने ऐप्स का बटन दबाया बताया था ना, ये 3 डॉट में भी अगर आप आ गए तो इसी में आएंगे, और ये डायरेक्टली ऐप्स का बटन दबाएंगे भी तो इसी में आएंगे। अगर आपने विंडो ही लगाए तो मीडिया प्लेयर को ओके कर देना, ओके। यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह भी आप सेटअप ले सकते हैं, मतलब यानी अगर आपने टीवी ब्लैंक छोड़ दी
तो ये वॉलपेपर ऑटोमेटिकली सेटअप करने लग जाएगा, आपका टीवी स्टैंड बैठ नहीं जाएगा, मतलब टीवी खराब नहीं होगा। तो गाइज फाइनली फुल्ली इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो गाइज कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हमारा ऑफलाइन स्टोर से टीवी बाय करने का। तो अगर हम फ्लिपकार्ट से अमेजोन से टीवी बाय करते हो तो हमें हमारे मन में थोड़ी बहुत रहती है कि यार कैसे निकलेगी क्या होगा, लेकिन इसी तरह का एक्सपीरियंस हमें मिलता है। लेकिन अगर हमारे टीवी में कुछ डैमेज हो, कुछ भी खराबी आई, तो हम डायरेक्ट दुकानदार के पास या कोई भी शॉपकीपर जा सकते हैं और उससे कह सकते हैं हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो वो कुछ ना कुछ हमें उसका सजेशन या कुछ भी हो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो गाइज बस आप हमें इस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अगर आप ऑफलाइन स्टोर से टीवी बाय करने का सोच रहे हो, तो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस